हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की जो वीडियो है ना, वो आपके आंखें खोल देंगी। टाइटल है वीडियो का, फातिमा हिजाब में स्मार्टफोन छुपा कर दे रही थी, जाम पकड़े गए फिर विक्टिम कार्ड। हिजाब एग्जाम, अच्छा एग्जाम बिहार, वो एग्जाम दे रही थी स्मार्टफोन लेकर। तो फोन तो अलाउड होता ही नहीं टेस्ट में, इवन यहाँ नहीं अलाउड होता, तो वही ना पहन लिया, पूरे कवर्ड है, पता चल नहीं रहा कहीं छुपाया होगा, ऐसा कुछ होगा। चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और हमारे जो दूसरे दो चैनल हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोज उन चैनल्स में भी आ रहे हैं और उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बिहार मुजफ्फरपुर के महंत दर्शन दास महिला कॉलेज में सेंट अप की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर बैठी हुई थी, तभी एक शिक्षक को छात्राओं के ब्लूटूथ लगाए होने का शक हुआ और उन्होंने छात्राओं से कान दिखाने के लिए कहा, जिस पर छात्राएं भड़क गई और बिना परीक्षा दिए वो बाहर चली गई और बवाल करने लगी। जब पकड़ी गई तब अपना विक्टिम कार्ड खेलना चालू कर दिया कि मुझे मुसलमान होने की सजा मिल रही है, मैं अपना हिजाब नहीं पहन सकती स्कूल अंदर कॉलेज अंदर। एक तरफ जहां ईरान जैसे देश में हिजाब के विरोध में महिलाएं बिना कपड़े के प्रदर्शन कर रही है, तो वही हमारे देश में ऐसे लोग है जो हिजाब पहनने के लिए कॉलेज और अदालत तक जा रहे हैं। सबसे पहले आप उन लड़कियों के वो बयान सुनिए कैसे विक्टिम कार्ड खेल रही है, उसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल का भी बयान सुनना कि आखिर हुआ क्या था। क्या दिक्कत है? हम लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से, उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर बोलते हैं हिजाब खोलो, कान दिखाओ तुमने ब्लूटूथ लगाया, ठीक है हमने कान दिखाया, बोला ठीक है कान देखो ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में, फिर कहते हैं खोल के हटाओ, कान के नाते तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो वो करते हो, हमको बोले कि तुम अपना हिजाब खोलो, हम खोले भी कि देखिए हम तो नहीं लगाए, उसका खोल के हटाओ, बात नहीं बोलते हम खोल के देंगे, क्या बोलते हैं कि मजहब के नाम पे तुम लोग ऐसे करते हो, यहाँ मजहब का कोई ये नहीं चल रहा जो हिजाब बांध के आई हो, हम नहीं खोले तो बोलते हैं कि तुम कॉपी दो क्वेश्चन पेपर दो और जाओ यहाँ पर, ठीक है बात नहीं मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे वो। रवि भूषण कौन कॉलेज अपना मामला क्या है? क्लास में कुछ लड़कियां हैं जो ऑब्जेक्शन कर रही थी कि सर ने मेरा स्कार्फ निकलवा दिया है, तो मैंने उसको बताया था कि ये जो स्कार्फ है ये मतलब लगाई हो तुम बहुत अच्छा, लेकिन ईयरबड्स वगैरह लगा के चीटिंग करते हैं लोग, इस वजह से सर ने बोला है कि स्कार्फ निकाल दें, तो उससे वो लोग करने लगी कि हम लोग का रिलीजन है ये वो, तो जब किसी फंक्शन वगैरह में ये लोग जाती हैं तो उस वक्त उनका दुपट्टा कहाँ जाता है, और एग्जाम के वक्त इन लोगों को अचानक से अपना रिलीजन याद आ जाता है, जिसकी वजह से सवाल इन लोगों पे कम और रिलीजन पे ज्यादा उठाया जाता है। ये जो हिजाब का मामले उठ रहे हैं क्या सच्चाई है इसमें? टीचर के द्वारा उनको बोला गया हिजाब हटाने के लिए, उनको धमकी दी गई, हिजाब हटाने कभी नहीं बोले किसी बच्चे को, सिर्फ इतना बोले कि तुम लोग अपने कान खुले रहो बस, दैट्स इट। उस पे लड़कियां क्या कहा? उस पे लड़कियां मतलब इसको एक अदर सेंस में ले जाती है कि हमारा रिलीजन है और सर हमारे रिलीजन के खिलाफ काम करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं हम लोगों से, बोल रहे हैं कि हिजाब निकाल दो। मिसी आप उसी क्लास में थी? जी हम उसी क्लास में थे। क्या नाम हुआ? अहमद फातिमा। ओ वो भी मुस्लिम ही है। यहाँ मामला हिजाब का है ही नहीं, आज के दिन इंटर का सेंटअप टेस्ट चल रहा था जो कि बोर्ड के आदेश से हो रहा था, सारी छात्राएं अपने क्लासरूम में मौजूद थी, और जो एक नियम होता है कि एग्जामिनेशन से पहले टीचर बोलते हैं कि अगर किसी लड़की के पास कोई तरह का कोई चीज हो या मोबाइल हो तो आप बाहर निकाल दें, उसी क्रम में बहुत सारी लड़कियों ने मोबाइल रखा हुआ था, जबकि अब जबकि लड़कियाँ जानती हैं कि रूम में एंटर करने के बाद मोबाइल ले जाना अनुचित है, तो 15-20 लड़कियों ने अपना मोबाइल बाहर निकाला जो कि रखी हुई थी, और एक लड़की
के पास जब सबसे पूछते हुए जब टीचर उस लड़की के पास गए जिसने हिजाब पहन रखा था, तो उन्होंने कहा कि उसका कान ढका हुआ था। तो टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज नहीं कर रही हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्लूटूथ आजकल कॉमन हो गया है, चीटिंग का एक सोर्स हो गया है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं मैं कान नहीं आपको दिखाऊंगी, और तो बोला कि ऐसे में तो फिर तुम एग्जाम कैसे दोगी, सारी लड़कियां बता रही हैं कि या दिखा रही हैं कि मोबाइल है या नहीं, उनसे पूछा जा रहा है। तो वो लड़की काफी क्रोधित हो गई और बोली कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी, और वो बाहर चली गई। जानकारी में आया कि वो कुछ असामाजिक तत्व को भी उसने खबर कर दिया, खबर कर लिया, पुलिस को बुला लिया, और सबों को उसने एक धर्म का नाम दे करके उसने एक बरगलाना शुरू किया कि टीचर ने मुझे धर्म के बारे में ऐसी बात बोली वैसी बात बोली, और इस तरह का उसने बयान देना शुरू किया। जैसा कि अभी कुछ प्रेस रिपोर्टर थे भी, तो उनके सामने एक लड़की भी आई जो उस रूम में मौजूद थी और वह छात्रा थी, दान दे रही थी। उस लड़की ने कहा है कि मैं उस रूम में ही मौजूद थी जब ये घटना हो रही थी, कि सर का कोई दोस्त नहीं है, सर पूछ रहे थे, सभी लड़की को बोल रहे थे, उस लड़की को भी बोला गया। उसका मैं लड़की काफी आवेश में आ गई और बाहर चली गई एग्जाम छोड़ करके, और बाहर में जाकर के उसने धर्म का नाम लेकर के हिजाब वगैरह कुछ भी जो भी उसके चार्जेस हैं जो कि बेबुनियाद है। जहाँ तक कि मैं हमारे कॉलेज का माहौल है बहुत ही सुरक्षापूर्ण माहौल है, यहाँ टीचर्स हैं। अगर उस लड़की को कोई दिक्कत थी, उसको लगा कि उस टीचर ने कुछ भी उसके साथ कुछ कुछ धर्म के नाम पर या जो भी वो चार्जेस लगा रही जो उसका कहना है जो कि गलत है, तो वह एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे यहाँ पे मौजूद, मैं थी, किसी को भी बोलती, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने फोन करके थाना में फोन कर दिया, कुछ असामाजिक तत्व को बुला दिया। तो मुझे जैसा अंदेशा आ रहा है, जैसा लग रहा है कि इसके पीछे हो ना हो, तो फ्रेंड्स देख लो, मिसयूज ऑफ समथिंग टू गेन, और वो भी एग्जाम टाइम के लिए, और ये पहले से किया होगा कि भैया मैं पहन के जाऊंगी, रोका तो मैंने ये क्रिएट करना, मुझे लगता है उसका पहले से ही लिंक होगा, प्लान था, कोई इतनी जल्दी से नहीं कर सकता। हाँ, मतलब उसका फोन, जैसे कह रहे हैं दूसरे बंदे से, मतलब ऐसे उसका नाम लिया था उन्होंने कि ऐसे बंदे से कॉन्टेक्ट था और उसको पता था कि पुलिस को कैसे बुलाना है, कैसे शोर क्रिएट करना है। हाँ, इतनी और इतना था कि मैं कान नहीं दिखाऊंगी और अगर तुम्हें मतलब मैं बाहर चली जाऊंगी, मतलब उसने सब प्लान किया हुआ था, वरना कोई सच्चा इंसान बोलता ये लो यार कान दिखाओ। और टीचर ने ये बोला है कि कान दिखाओ, ये नहीं बोला हिजाब, वो सब कुछ को चेंज करके दिखाने की कोशिश कर रही है कि टीचर ने बहुत कुछ बोला भी, मतलब उस टाइप से कि तुम ऐसे पहन के क्यों आ रही हो, उतारो इसे, जबकि टीचर ने इसे बोला था कि कान खोल के बैठो ताकि दिखे कि कुछ नहीं हो। मैंने तो मुझे समझ भी नहीं आई थी कि भाई हिजाब में, मुझे लगा फोन छुपा रहे हैं, अब पता चला कि अरे दिमाग में ही नहीं आया कि ब्लूटूथ लगा के चीटिंग होती है। मैंने कहा लो राइट, देखिए अगर टीचर बोल रहा है कान दिखाइए, तो दिखाना पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, आपको सीधा यूं करके कान दिखाना चाहिए था, एंड ऑफ स्टोरी। कान को खुला छोड़ के बैठो तुम पूरे टेस्ट में, क्या चली कान है, आपने दिखा दिया फाइन, बट आप उसने तो ये भी नहीं किया और झूठ बोल रही है। और बेस्ट था कि एक और स्टूडेंट जो उस कमरे में थी और वो भी मुस्लिम ही है, क्योंकि अगर कोई और अगर हिंदू होती है कुछ होती तो कहते नहीं इसको कुछ करा है, वो लड़की खुद मुस्लिम है, उसने बता दिया कि टीचर ने कुछ नहीं कहा था, वो सबकी चेकिंग कर रहे थे, सबको बोल रहे थे हिजाब पहना हुआ था, उसे कहा था कान के हटा के दिखाने को, उसमें उसको प्रॉब्लम हुई, वो छोड़ के एग्जाम चली गई और इमीडिएटली उसने लोगों को फोन करके पहले सी कर दिया। अच्छी लड़की थी, उसने खुद ही कहा उसने नहीं पहना था हिजाब। हाँ, उसने नहीं पहना, वो कह रही वही लड़की जो है अभी तो हिजाब पहन के आई और बाहर जब जाना होगा कहीं पार्टी में तो बिना हिजाब के जाएगी। करेक्ट, ये बात बहुत पॉइंट कर जो है नोट करने वाली बात है। तो ये चल रहा है स्कूल में, मेरे ख्याल से डेफिनेटली बोलना चाहिए स्कूल यूनिफॉर्म है उसमें आना है, आओ नहीं आना तो आप स्कूल आपको एडमिशन लेने की भी जरूरत नहीं। राइट, और मेरे ख्याल से जो कर्नाटका में पॉइंट चल रहा था वहां पे, तो मेरे ख्याल से हाईकोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि हिजाब इज नॉट अलाउड, जो स्कूल की ड्रेस है स्कूल की ड्रेस है। बहुत है, उसके बाद मुझे पता नहीं हुआ गया सुप्रीम कोर्ट में गया कि नहीं गया, मगर हाई कोर्ट का तो ये डिसीजन था कि जो यूनिफॉर्म है वो आपको पहननी पड़ेगी। तो आप भी बताना आपको क्या लगता है कि भाई ये क्या हुआ है और क्या एक्शंस क्या लिए जाने चाहिए। मेरे ख्याल से तो लड़की को स्कूल से निकाल देना चाहिए ताकि एग्जाम्पल सेट हो कि तुम इस टाइप के काम करोगी तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बिल्कुल, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।